हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 13th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, रिड्यूस द गिवन नेटवर्क टू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस वैल्यूज आर इन ओहम। तो देखिए, क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था, जो नेटवर्क दिया था, वो ये आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था रिड्यूस दिस नेटवर्क इनटू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड अ इंपेडेंस। इसका मतलब हमें ये नेटवर्क को तब तक रिड्यूस करना है जब तक इसमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और एक इंपेडेंस ना बचे। ठीक है, तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करना है। और इसके लिए हम वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के सभी बेसिक रूल्स मिल जाएंगे। वो रूल्स अगर आपको पता है तो आप कोई भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अगर इसको सॉल्व करना है, देखो ये जो नेटवर्क है इसमें क्या क्या दिया है। देखो इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस है, नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस एंड करंट सोर्सेस दिए हैं, रेजिस्टेंसेस भी है। तो हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करते समय हमें क्या करना है, इसको सर्किट टू सर्किट रिड्यूस करना है। आपको सिर्फ सर्किट्स ड्रॉ करते हुए चलना है और धीरे धीरे ये रिड्यूस हो जाएगा। देखो इसको आगे सर्किट टू सर्किट रिड्यूस करने के लिए इसके आने वाले स्टेजेस हमने यहां ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ताकि हमें ड्रॉ करने में ज्यादा समय ना लगे। वीडियो जो है वो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए ड्रॉ करते समय, इसलिए हमने पहले से ही ये ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, तो चलो अब हम इसको रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस गिवन सर्किट को पहले समझ लेते हैं। देखो ये जो गिवन सर्किट है इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस है। तो पहले ब्रांच में देखो क्या है, पहले ब्रांच में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जो है वो सीरीज में है। ठीक है, जबकि रूल ये है कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जब कभी भी सीरीज में आते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा एक करंट सोर्स होता है। वोल्टेज सोर्स क्या कहा, ये रूल है, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स जब भी सीरीज में आते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा करंट सोर्स होता है। तो चलो एक न्यू सर्किट हम ड्रॉ करेंगे, वो न्यू सर्किट में ये दोनों का रिजल्ट एक करंट सोर्स हम शो करेंगे और जो बाकी के ब्रांचेस है उसमें अगर बात करें तो ये ब्रांच हम एज इट इज शो करेंगे। और ये ब्रांच में देखो, ये ब्रांच के पैरेलल में देखो, ये ब्रांच में वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस है और इसके पैरेलल में एक करंट सोर्स है। और कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, ये जो करंट सोर्स है वो इसके पैरेलल में यहां पर कनेक्ट करके दिया है, जबकि आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ये जो करंट सोर्स है उसको आप सेपरेट कर लो तो वो आसान जाएगा। और इधर की जो ब्रांचेस है वो फिलहाल हम एज इट इज रखते हैं। तो देखो नेक्स्ट सर्किट अगर हमें ड्रॉ करना है तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो ऑलरेडी हमने यहां ड्रॉ करके रखा है। देखो नेक्स्ट स्टेज कुछ ऐसा आपको ड्रॉ करना है। और अब नेक्स्ट स्टेज में जो है उसकी वैल्यू जो है वो हम यहां सबसे पहले लिख लेंगे। ये लास्ट का जो 1 ओम है वो हम यहां पे एज इट इज लिख लेंगे। देन ये जो वोल्टेज सोर्स है वो हम यहां लिख लेंगे प्लस माइनस 5 वोल्ट। देन आफ्टर ये 1 ओम ये हम यहां पे शो करेंगे 1 ओम। देन ये 2 वोल्ट यहां पे लिख लेंगे प्लस 2 वोल्ट। देन ये हम लिख लेंगे प्लस, ये कितना है, ये है 3 वोल्ट, तो ये लिख लेंगे 3 वोल्ट। देन ये जो 2 एम्पियर वाला जो करंट सोर्स था उसको हमने जैसा कहा कि उसको सेपरेट कर लो तो आसान जाएगा, तो ये देखो हम ये करंट सोर्स को ऐसा बाहर निकाल रहे जबकि यहां पर ये पैरेलल में शो किया है, तो वो हमने यहां पर इसको यहां पर सेपरेट कर लिया है। ओके, और ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है वो हम यहां शो करेंगे। और ये देखिए जैसा हमने कहा कि अब ये जो पहला ब्रांच था, पहले ब्रांच में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स यहाँ पे सीरीज में है तो इसका रिजल्ट हमेशा एक करंट सोर्स होता है। तो आपको क्या करना है, वोल्टेज सोर्स अब आपको शो नहीं करना है, ओनली करंट सोर्स शो करना है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग वोल्टेज सोर्स वहां से डीएक्टिवेट हो जाएगा। और वोल्टेज सोर्स जब डीएक्टिवेट होगा तो इसका मतलब यह है कि वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट। तो हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली इसको यहां से निकाल दिए हैं और इसको रिप्लेस किया है बाय यूजिंग शॉर्ट सर्किट। और ये जो करंट सोर्स है वो हमने यहां एज इट इज शो किया है, उसका एम्पियर है दैट इज 1 एम्पियर। इस तरह से देखिए ये न्यू सर्किट यहां पे बनके तैयार है। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस नहीं लिखे थे तो वो भी हम लिख लेंगे। और अब देखिए न्यू स्टेज ये आपके सामने है और अब हम यहां पे कुछ सॉल्व करेंगे। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक काम करो, सभी ब्रांचेस में करंट सोर्सेस और रेजिस्टेंस लेके आओ, क्योंकि ये सभी के सभी पैरेलल में है। देखो ये सभी ब्रांचेस पैरेलल में है, तो अगर इसको पैरेलली सॉल्व करना है तो रेजिस्टेंसेस पैरेलली ले लो और करंट सोर्सेस भी पैरेलली ले लो, क्योंकि रूल ऐसा है कि अगर करंट सोर्सेस अगर पैरेलल में है तो या तो उनमें एडिशन होता है या तो सब्सट्रैक्शन होता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये करंट सोर्स, ये रेजिस्टेंस, ये करंट सोर्स, ये तीनों को एज इट इज रखो। देखो हमें एक नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करना है, एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना है। तो देखो इसके बाद का न्यू स्टेज एंड न्यू सर्किट ये हमने ऑलरेडी यहां ड्रॉ करके रखा है। चलो यहां पे अब हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। तो जैसा हमने कहा ये करंट सोर्स एज इट इज रखना है, तो ये देखिए ये करंट सोर्स हम एज इट इज रखते हैं, उसमें डायरेक्शन हम दे देंगे। ये करंट सोर्स है 1 एम्पियर का, तो ये हम यहां लिख लेंगे 1 एम्पियर। देन आफ्टर ये जो रेजिस्टेंस है वो भी हम यहां एज इट इज रखते हैं, तो वो हमने यहां रखे हैं।
देन आफ्टर ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स, ये भी हम यहां एज इट इज शो करेंगे। तो ये देखिए ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स, ये हम यहां लिख लेंगे 2 एम्पियर, ओके ये। और अब देखिए ये दो ब्रांचेस में, देखिए ये दो ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ब्रांचेस में वोल्टेज सोर्सेस है, इसमें भी वोल्टेज सोर्स है, इसमें भी वोल्टेज सोर्स है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जैसा हमने कहा था सभी ब्रांचेस में करंट सोर्सेस होना चाहिए, तो वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं। तो ये ब्रांच को हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये ब्रांच में भी हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कन्वर्ट करना काफी आसान है। देखो ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच में क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में यहां पे रेजिस्टेंस है, इसका मतलब वी आर, देखो यहां पे वी है आर है, तो ऐसे में करंट सोर्स में करंट का वैल्यू क्या होगा वो आप यहां पे आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो हम आपको यहां रफ कैलकुलेशन बताते हैं, आप इस तरह का रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो करंट I इक्वल्स टू, करंट का फार्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ का फार्मूला, करंट I इक्वल्स टू V बाय R, ठीक है। तो यहां पे देखो ये ब्रांच में ये V है ये R है, इसका मतलब V बाय R करेंगे तो 3/1, तो हम यहां लिख लेंगे 3/1, इट मीन्स ये कितना, दैट इज 3 एम्पियर। इसका मतलब जब हम इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो करंट सोर्स में करंट का वैल्यू कितना लेना है, 3 एम्पियर। और जब आप इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो करंट सोर्स के पैरेलल में, करंट सोर्स के पैरेलल में आपको ये रेजिस्टेंस लगाना है 1 ओम वाला, जो इसके सीरीज में था, ठीक है। तो चलो अब इसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां पर ये एक सिंगल ब्रांच है, ठीक है। देखो ये वी आर, ये वी, ये आर, ये एक सिंगल ब्रांच है, जब करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो दो ब्रांचेस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रूल है कि वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में एक ब्रांच में होते हैं, जबकि कन्वर्ट करने के बाद करंट सोर्स और रेजिस्टेंस हमेशा दो ब्रांच में पैरेलल में होते हैं, ठीक है। तो चलो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्ट करने के बाद देखो ये दो ब्रांचेस यहां पे बन चुकी है, ये वोल्टेज सोर्स में प्लस ऊपर है, तो जो करंट सोर्स मिलेगा उसमें करंट का डायरेक्शन भी ऊपर रहेगा, देखो प्लस ऊपर है इसलिए करंट का डायरेक्शन ऊपर, और इसमें करंट का वैल्यू कितना निकला है, 3 एम्पियर। तो ये करंट सोर्स का करंट का वैल्यू है, दैट इज 3 एम्पियर, और जैसा हमने कहा इसके सीरीज में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो वो अब इसके पैरेलल में लग जाएगा। तो ये देखिए फाइनली हमने ये वी आर को आई आर में कन्वर्ट कर लिया, देखो आई आर, देखो ये दोनों पैरेलल में आ गए, यहां पर सिंगल ब्रांच थी लेकिन कन्वर्ट होने के बाद यहां पर दो ब्रांचेस बन गई इस तरह से। और अब आगे बढ़ते हैं, अब ये ब्रांच के साथ आपने जो किए बिल्कुल सेम आपको ये ब्रांच के साथ भी करना है। देखो यहां पे भी V है R है, V R है, तो इसको आई आर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो आई आर में कन्वर्ट करने के बाद इस तरह की दो ब्रांचेस यहां पे होंगी, ये वोल्टेज सोर्स में प्लस ऊपर है, तो यहां पे जो करंट सोर्स में करंट का जो डायरेक्शन रहेगा वो ऊपर रहेगा इस तरह से, और करंट का वैल्यू क्या रहेगा, तो करंट का वैल्यू काफी सिंपल है, यहां पर करंट का वैल्यू आपको अगर फाइंड आउट करना है, देखो यहां रफ कैलकुलेशन बता रहे, करंट आई इक्वल्स टू वी बाय आर, V by R माने 2/1, तो हम यहां लिख सकते हैं 2/1, तो ये हो जाएंगे दैट इज 2 एम्पियर। इट मीन्स करंट सोर्स में करंट का वैल्यू कितना, 2 एम्पियर हम यहां लिख लेंगे, और अब इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो वही रेजिस्टेंस रहेगा जो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में था, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हम यहां लिख लेंगे 1 ओम का रेजिस्टेंस। इस तरह से फाइनली ये न्यू सर्किट बन के तैयार है। देखो ये एक न्यू स्टेज बन चुका है, जैसा हमने कहा था सभी को करंट सोर्स इसमें कन्वर्ट कर लो, तो देखो हमने सभी को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया है, और रेजिस्टेंस उनके साथ जो है वो आ चुके हैं, ये सभी के सभी ब्रांचेस जो है वो एक मेक को पैरेलल है, और ये पैरेलल होने का बहुत बड़ा फायदा अब होगा, क्योंकि रूल है कि अगर करंट सोर्सेस पैरेलल में है तो या तो उनमें एडिशन हो सकता है या तो सबसेक्शन हो सकता है, डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर। तो देखिए यहां पर जो करंट सोर्सेस है ये सभी के सभी पैरेलल में है, तो चलो अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, एक न्यू स्टेज यहां पे ड्रॉ करेंगे। तो देखो इसके बाद का न्यू स्टेज यहां पे है, हमें ये स्टेज यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जो करंट सोर्सेस है, जैसा हमने कहा था करंट सोर्सेस सभी पैरेलल में है, और डायरेक्शन सबका चेक करो, करंट का डायरेक्शन उनमें क्या है, तो करंट का डायरेक्शन देखो सभी का सेम है, सभी का डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका मतलब सभी का एडिशन होगा, अगर डायरेक्शन अपोजिट होता तो सबट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो फिलहाल करंट का डायरेक्शन सेम है, सभी में एडिशन करो, इट मींस 1 एंपियर प्लस 2 एंपियर प्लस 3 एंपियर प्लस 2 एंपियर, तो ये हो जाएगा 8 एम्पियर। तो देखिए हम यहां पे करंट सोर्स में करंट का डायरेक्शन हम पहले शो कर लेंगे, सभी का डायरेक्शन अपवर्ड है तो सभी का एडिशन हुआ, तो जो रिजल्टेंट रहेगा उसमें भी डायरेक्शन करंट का अपवर्ड ही रहेगा, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है दैट इज 8 एम्पियर, ठीक है, सभी में हमने एडिशन किया है। लेकिन रेजिस्टेंसेस का क्या, तो देखो जो रेजिस्टेंसेस है वो सभी के सभी पैरेलल में है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये जो लास्ट में 1 ओम है वो पैरेलल में नहीं आएगा, लास्ट का 1 ओम आपको एज इट इज शो करना है, और ये प्लस माइनस ये हम 5 वोल्ट
वोल्ट लिख लेंगे, ठीक है। ये जो लास्ट का रेजिस्टेंस है वो ये वोल्टेज सोर्स की वजह से इनके साथ पैरेलल में नहीं है, बीच में ये वोल्टेज सोर्स आ गया, इसलिए वो आपको 1 ओम फिर से आपको साइड में लिख लेना पड़ेगा, वो आप पैरेलली कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जो इधर के रेजिस्टेंसेस है उनको हम अब पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो इनको पैरेलली सॉल्व करेंगे। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो रूल क्या है, अगर 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो देखो रूल ऐसा है, पैरेलली सॉल्व करने के लिए हम यहां पर आपको बता रहे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से देखो ये रूल है, 3, 4, 5 रेजिस्टेंसेस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 को अगर आप ऐड करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस आपको मिलता है, लेकिन वो 1/ दैट इज फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो चलो यहां पर हम पुट करेंगे, सभी रेजिस्टेंसेज 1 ओम के हैं तो ये हम यहां लिख लेंगे, इट मीन्स 1/1 प्लस 1/1 अगेन प्लस 1/1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो ये हो गया 3 ओम। तो ये जो 3 ओम मिला ये क्या है, तो ये है 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, 1/ है, इट मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है। लेकिन अगर आपको ओनली R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है तो ये 3 का इनवर्स करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/3। तो फाइनली ये 1/3 जो है ये है R इक्विवेलेंट, इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस, ये तीनों को पैरेलली सॉल्व करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस आया है 1/3। अगर आपको पॉइंट में निकालना है तो वो हो जाएगा 0.333। तो चलो ये हम नेक्स्ट स्टेज में यहां शो करेंगे, 1/3 ओम का रेजिस्टेंस हमने यहां पे शो कर लिया है, ठीक है। तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलली सॉल्व करने के बाद ये रेजिस्टेंस आया है, ठीक है। तो ये देखिए न्यू स्टेज जो है वो बन के तैयार है, हमने इतने बड़े नेटवर्क को रिड्यूस कर लिया है और रिड्यूस करके सिर्फ इतना सा नेटवर्क अब बना है, ठीक है। लेकिन ये अभी भी यहां पे प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था रिड्यूस द गिवन नेटवर्क इनटू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स, आपको सिंगल वोल्टेज सोर्स में रिड्यूस करना है। अभी भी यहां पे सिर्फ एक सिंगल वोल्टेज सोर्स नहीं बचा, नंबर ऑफ चीजें हैं, तो अब हमें इसको और रिड्यूस करना है। तो देखते हैं अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब आगे सॉल्व करने के लिए यहां पर सबसे पहले तो ये जो 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है लास्ट में वो यहां पर एज इट इज शो कर लो। देखो 1 ओम का रेजिस्टेंस और ये जो वोल्टेज सोर्स है वो हम यहां पे शो कर लेंगे एज इट इज। अब आपको क्या करना है, ये करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये IR है, IR है तो उसको VR में कन्वर्ट कर लो, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लो। तो वोल्टेज सोर्स में अगर आपको वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो फार्मूला I × R, इट मीन 8 × 1/3, देखो 8 × 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3, ठीक है, ये हो जाएगा 8/3 वोल्ट। तो चलो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप इसको IR को VR में कन्वर्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेज कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, वो कुछ ऐसा हो रहा है। इसमें आपको VR जो है वो सीरीज में ज्वाइन करना है, IR हमेशा पैरेलल में होते हैं जबकि VR सीरीज में होते हैं। देखो इस तरह से जैसे यहां पे था स्टार्टिंग में दिया हुआ V और R सीरीज में था, उसी तरह का अब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन यहां पे तैयार करना पड़ेगा। तो ये हम यहां सबसे पहले एक वोल्टेज सोर्स के लिए ऐसे राउंड बना लेते हैं, यहां पे हमें शो करना है, तो चलो शो करेंगे। और करंट सोर्स में देखो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है इसलिए प्लस ऊपर देंगे, और ये वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज का वैल्यू रहेगा 8/3 वोल्ट, और इसके सीरीज में जो रेजिस्टेंस है ये वही रहेगा जो करंट सोर्स के पैरेलल में था। तो 1/3 ओम यहां पे हम ये शो कर लेंगे, देखो इस तरह से, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। और अब फाइनली देखो ये IR को VR में हमने कन्वर्ट कर लिए, रेजिस्टेंस हमने वही लगा दिए जो इसके पैरेलल में था, ठीक है। तो ये सर्किट तो कंप्लीट हो गया, ये स्टेज यहां पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसको रिड्यूस करते समय यहां पे देखो ये स्टेज में अब इंपॉर्टेंट यहां पे रूल कौन सा लगेगा, तो यहां पे वोल्टेज सोर्स का रूल लगेगा। वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में है तो उनमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन रूल क्या है जरा आप समझ लो, अगर वोल्टेज सोर्सेस अनइक्वल साइन के साथ अगर सीरीज में है तो एडिशन होता है। क्या कहा, अगर वोल्टेज सोर्सेस अनइक्वल साइन के साथ यानी प्लस माइनस इस तरह के साइन के साथ अगर सीरीज में है तो एडिशन होता है, और अगर वोल्टेज सोर्सेस इक्वल साइन के साथ अगर सीरीज में है यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस ऐसे इक्वल साइन के साथ अगर कनेक्टेड है तो सब्सट्रैक्शन होता है। तो चलो अब हम यहां पे चेक करेंगे कि ये दोनों वोल्टेज सोर्सेस, देखो ये जो ब्रांच है ये पहला ब्रांच, ये पहले ब्रांच में जो वोल्टेज सोर्सेस है ये देखिए, ये दोनों वोल्टेज सोर्सेस यहां पर सीरीज में है, तो चेक करो कि ये इक्वल साइन के साथ सीरीज में है या अनइक्वल साइन के साथ सीरीज में है। तो देखो ये वोल्टेज सोर्स में प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, देखो प्लस ऊपर माइनस नीचे, और ये माइनस जो है वो ये वोल्टेज सोर्स के माइनस में लगा है, इसका मतलब ये दोनों वोल्टेज सोर्सेस सीरीज में है विद इक्वल सिंबल। देखो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों का माइनस माइनस जो है वो कनेक्टेड है, इसका मतलब इन दोनों में अब 100% सब्सट्रैक्शन होगा, ये कंफर्म है, ठीक है।
इन दोनों में सब्सट्रैक्शन होगा क्योंकि इक्वल साइन के साथ सीरीज में है। तो इन दोनों में अगर सब्सट्रैक्शन करोगे तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 5 वोल्ट बड़ा है, तो 5 - 8/3 करेंगे, तो 5 - 8/3 करेंगे तो वो हो जाएगा 7/3। ठीक है, तो ये हम यहां लिख लेंगे 7/3। ठीक है, तो और इसमें प्लस माइनस कहां रहेगा, देखो प्लस माइनस जो भी वोल्टेज सोर्स बड़ा है उसके साइन के अकॉर्डिंग रहेगा। देखो ये वोल्टेज सोर्स बड़ा है, इसमें प्लस राइट साइड में है और माइनस इधर है, तो यहां पे इसका प्लस राइट साइड में रहेगा, माइनस लेफ्ट साइड में रहेगा, और इसका रिजल्ट हम यहां लिख रहे हैं कितना, ये 7/3 का, दैट इज 7/3 वोल्ट। इस तरह से फाइनली हमने ये दोनों वोल्टेज सोर्सेस को सीरीज में लेके ऐसा सब्सट्रैक्शन करके ये रिजल्ट शो किया है। इसका मतलब ये स्टेज यहां पे कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, देखो नेक्स्ट स्टेज ऑलरेडी हमने ये ड्रॉ करके रखा है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस फिर से एज इट इज शो करेंगे। ये अब क्या करना है, ये ब्रांच में देखो, ये ब्रांच वी आर है, देखो यहां पे वी है, ये आर है, वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है। देखो इसका मतलब अब हमें इसको आई आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वी आर है वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस, इसको आई आर में कन्वर्ट करेंगे तो करंट सोर्स और रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो देखो इसको आई आर में कन्वर्ट करने के बाद जो दो ब्रांचेस है वो कुछ ऐसी बनेंगे, देखो यहां पे इस तरह से ये कुछ ऐसी ब्रांचेस बनेंगी। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस जो इसके सीरीज में था यही रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में चले जाएंगे, तो हम यहां लिख लेंगे 1/3 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमने लगा दिए, लेकिन करंट सोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो करंट सोर्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। करंट सोर्स का वैल्यू, करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला आपको पता है, वो क्या होता है, आई इक्वल्स टू वी बाय आर। ये करंट सोर्स में देखो करंट का वैल्यू हम यहां फाइंड आउट कर लेंगे, फार्मूला है वी बाय आर, इट मीन्स ये 7/3, ये देखो ये ऐसा 7/3 / 1/3 इस तरह से। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, यहां पे वी बाय आर हमें लिखना है, आई इक्वल्स टू वी बाय आर, तो ये V का वैल्यू, ये R का वैल्यू, यहां पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, ओनली 7 बचेगा। ठीक है, इसका रिजल्ट ओनली 7 एम्पियर होगा। तो देखिए यहां पे ये जो करंट सोर्स है इसमें इसका वैल्यू हम यहां लिख लेंगे कितना, 7 एम्पियर। लेकिन यहां पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, देखो इसके पहले सभी में हमने करंट का डायरेक्शन अपवर्ड दिया, लेकिन यहां पे अब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड नहीं, यहां पे करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड क्यों होगा, वो इसीलिए देखो क्योंकि इसका जो प्लस है वो यहां पे राइट साइड में है, माइनस इधर है, प्लस राइट साइड में है, इसका मतलब यह है करंट इस तरह से फ्लो होगा। देखो प्लस टू माइनस कन्वेंशनल करंट आपको शो करना होता है, तो प्लस इधर है तो करंट इस तरह से फ्लो होगा ऐसा, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमने यहां पे शो किए हैं ऐसे, देखो इस तरह से ऐसा। ठीक है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमने शो किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रॉन्ग होता है ओनली बिकॉज ऑफ डायरेक्शंस, ये करंट के डायरेक्शन के वजह से या प्लस और माइनस लिखने के वजह से ही रॉन्ग होता है, बाकी इसमें ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट कुछ भी नहीं है। तो फाइनली हमने ये स्टेज यहां पे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और अब इसको आगे बढ़ाएंगे, अब इसको और थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। इसको रिड्यूस करना है तो क्या करना है, इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करना है। देखो यहां पे दो रेजिस्टेंसेस पैरेलली है, तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करो, ये R1 है, ये R2 है, तो जैसा हमने यहां इसके पहले तीन रेजिस्टेंसेस को पैरेलली सॉल्व किए थे बिल्कुल उसी तरह से आप यहां पे दो रेजिस्टेंसेस को भी पैरेलली सॉल्व यहां पे कर सकते हैं। या तो पैरेलली सॉल्व करने के लिए एक और फार्मूला है, देखो फार्मूला ऐसा है, R1 × R2 / R1 + R2, आप चाहे तो ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप चाहे तो ये फार्मूला यूज करो, ये R1 है, ये R2 है, तो आप ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट करो, इट मींस 1/3 × 1/1/3 + 1, इस तरह से अगर आप यहां सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.25। ठीक है, तो देखो इसके बाद का जो न्यू स्टेज है वो यहां पे हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। ये 7 एम्पियर का जो करंट सोर्स है वो हम यहां एज इट इज शो कर लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ, ये हमने शो कर लिए, और इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना, 0.25 ओम का इसका आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, हम ये फार्मूले का आप यूज करेंगे तो इस तरह का आंसर आएगा 0.25। ओके, इट मींस इनडायरेक्टली 1/4। ठीक है, तो देखो अगर आपको लगता है तो हम सॉल्व करा के देंगे, 1/3 × 1/1/3 + 1, तो ये हो जाएगा 1/4, इट मींस इनडायरेक्टली 0.25 R1 × R2 / R1 + R2। ठीक है, तो ये हमने 1/4 यानी 0.25 ओम ऐसा लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पे डायरेक्टली 1/4 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए हमने यहां तक रिड्यूस कर लिया है, यहां तक जो हमने रिड्यूस किया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने जो रिड्यूस किया है वो करंट सोर्स तक रिड्यूस किया है। देखो इतना बड़ा नेटवर्क था, इतने बड़े नेटवर्क में हमने नंबर ऑफ रूल्स यहां पर अप्लाई किए, और अप्लाई करने के बाद ये एक स्टेज बना है, लेकिन इसमें एक सिंगल करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, सिंगल करंट सोर्स है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था कि ये नेटवर्क को रिड्यूस करो तब तक जब तक एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और इंपेडेंस ना बचे।
ठीक है। तो चलो हम एक काम करते हैं, ये करंट सोर्स है, हमें इनडायरेक्टली इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो चलो इसको वोल्टेज सोर्स में आप कन्वर्ट करेंगे। तो ये IR है, IR देखो करंट सोर्स और रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में है, तो जब इसको आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो हो जाएगा VR, ये IR कन्वर्ट करने के बाद VR, तो इसके बाद का स्टेज ये रहेगा। देखो यहां पे V और R इस तरह से हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, और जो है करंट सोर्स के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस इसके सीरीज में हमें ज्वाइन करना है, तो ये रेजिस्टेंस 0.25 ओम ये हम यहां लिख लेंगे देखो इस तरह से। और इसको जब हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इट मीन्स VR के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, तो वोल्टेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला V इक्वल्स टू I इंटू R हम यहां लिख लेंगे, I इंटू R, ठीक है। तो यहां पे I क्या है 7 एम्पियर, ठीक है, इंटू R, R कितना है 0.25, ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज 7 इंटू 0.25 करेंगे तो ये आएगा 1.75, हम यहां लिख लेंगे 1.75 वोल्ट, और ये जो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है वो हम यहां लिख लेंगे। देखो यहां पे करंट का डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड है, तो इसका प्लस डाउनवर्ड यहां पे नीचे रहेगा और माइनस ऊपर रहेगा, और ये हम यहां लिख लेंगे 1.75 वोल्ट। तो फाइनली क्वेश्चन में जो लिखा था वो हमने यहां सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन में लिखा था रिड्यूस दिस नेटवर्क इनटू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड अ इंपेडेंस, तो इतने बड़े नेटवर्क को हमने इस तरह से रिड्यूस किया है इनटू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स। देखो यहां पे ये जो लास्ट स्टेज बचा है इसमें एक वोल्टेज सोर्स है इन सीरीज विद वन इंपेडेंस, यानी एक रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है, तो ये यहां पे क्वेश्चन में जो लिखा था वो हमने कंप्लीट कर लिए। अगर ये प्रॉब्लम एग्जाम में आता है और अगर क्वेश्चन में लिखा होता है रिड्यूस दिस नेटवर्क इनटू अ करंट सोर्स, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा रिड्यूस दिस नेटवर्क इनटू अ करंट सोर्स, तो फिर आपको क्या करना है, इतना सब सॉल्व करके आपको यहां पे आके स्टॉप करना पड़ेगा। देखो यहां पे करंट सोर्स है, ये आपका लास्ट स्टेज हो जाएगा, लेकिन यहां आज के क्वेश्चन में लिखा था रिड्यूस दिस इनटू अ वोल्टेज सोर्स, इसलिए हमने थोड़ा सा एक स्टेज और इसको एक्सटेंड किए और यहां पे हमने स्टॉप किया है। अब इसको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 13। इसके पहले जो हमने इसके 12 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।